हेलो गाइस, तो घबराइए मत, आज मैं कुछ ज्ञान वन नहीं देने वाला हूँ। आज मेरे स्टूडियो में आप कह सकते हैं गेस्ट आए हुए हैं जिन्होंने अभी भी अपना चैनल स्टार्ट किया हुआ है। देखिए, मेरा चैनल भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनसे थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो मैंने कहा उनको भी चैनल पर इंट्रोड्यूस कर दूँ। तो आज वो अपने चैनल के बारे में कुछ बताएंगे और काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी हैं। उनका नाम है प्रकाश, नहीं 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 गलत हो गया, इंजीनियर प्रकाश उनका नाम है। तो अब वो इसके बाद आएंगे और अपने आप को बताएंगे कि भाई क्या क्या उनके चैनल में है और वो कैसे आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो उनका समय शुरू होता है, अब बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर प्रकाश। और जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 महीने पहले ही YouTube चैनल शुरू किया है। और इस पर्पज से शुरू किया है कि मेरा ये मानना है कि जो सोशल मीडिया है उसमें अगर हम कहें तो शेयरिंग इज अ केयरिंग। अगर हम शेयर करते हैं तो एक्चुअली हम केयर करते हैं। हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता नहीं होती हैं जो कि हमको ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसके थ्रू पता चल जाती हैं। और इन रिटर्न हम भी अगर उसको कुछ शेयर करते हैं तो हम भी कुछ, मतलब एक तरह से गिव एंड टेक है। अगर हमको कहीं से कुछ मिलता है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी कुछ जो है आउटर वर्ल्ड को दें। तो इसी को सोच करके हमने एक, मैं इंजीनियर हूँ, एक मतलब कहते हैं बाई एजुकेशन एंड बाई प्रोफेशन, तो मुझे लगता है कि मैं भी कुछ इस दुनिया के साथ, इस वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकता हूं। और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमको मिला है तो मैंने इसी सोच के साथ अपना चैनल जो है इंजीनियर्स माइंड शुरू किया था। इंजीनियर्स माइंड में हमने जो स्टार्टिंग है वो आई से की है। और मेरा ये मानना है कि जो पहले इंजीनियर जो ई से शुरुआत हुआ करती थी उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ करती थी, लेकिन आज का वर्ल्ड जो है वो आई से है। आई मीन्स इंटरनेट एंड आईटी। तो यही सब सोच करके हमने ये चैनल शुरू किया है और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। सर ने डोमेन नहीं बताया, मैं दोबारा से बुलाऊंगा कि वो डोमेन कौन कौन से हैं जो अभी कर रहे हैं और आगे करने वाले हैं, तो अभी बने नहीं कहीं जाइएगा नहीं। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि मैं इंजीनियर हूं, तो अभी जो स्टार्टिंग है मेरी वो मैं बड़े ही बेसिक सब्जेक्ट्स को चूज कर रहा हूं, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं, मोबाइल के स्पेक्स क्या होने चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। जो थोड़ा सा और टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं बाद में लेकर आऊँगा, जैसे कि 5G में क्या होने वाला है, मोबाइल टेक्नोलॉजी कैसे आने वाली है, इन सब चीज़ों के ऊपर। और मेरा एक और भी एम है कि जो लोग रूरल में हैं जिनको एजुकेशन की उतनी एडवांटेज नहीं है, उनके लिए भी मैं कुछ सब्जेक्ट वाइज लाइक मैथ्स, फिजिक्स की कुछ चीज़ें लेकर के आऊँ। तो इन सब चीज़ों से मिल करके ये मेरा जो चैनल है इंजीनियर्स माइंड ये बनेगा आगे। बाकी मैं फिर से अपने दोस्त अविनाश जी को बुलाता हूँ जिनका चैनल आप लोग देख ही रहे होंगे, लर्न बेसिक्स है। तो ओवर टू अविनाश। देखिए, बड़ी खासियत है इनके चैनल में, वो मैं क्या बता दूं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। मैंने अभी तक कोई इंजीनियरिंग फील्ड या ऐसी, जैसे इन्होंने एक वीडियो बनाया था कि ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, वो आप जरूर देखिएगा, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में। एक कॉमन लड़की को जो रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि वो नया लड़का एग्जाम देने जा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इन्होंने बहुत अच्छे, बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है, थोड़ा सा इलेबोरेट ज़्यादा कर दिया है। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको रियल कंक्लूजन मिलेगा कि आपको वाकई में क्या चाहिए जो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो लेकिन मैंने ऐसा कोई चैनल अभी तक नहीं देखा यूट्यूब पे जो बहुत ही कोर डिटेल बताए कॉमन प्लेटफॉर्म पे जाकर के, ठीक है। अगर आप टेक्निकल, तो बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन वो कहीं कोई बहुत एडवांस बता रहा है तो कोई बहुत बेसिक चीज़ बता रहा है। ये ज़्यादातर लोग मोबाइल अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, इन्होंने भी किया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल अनबॉक्सिंग तक सीमित नहीं है। मतलब आप इनका देखेंगे, जब इनके बहुत सारे वीडियोज़ और भी हैं नीचे चैनल पर, चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ, आप जब उसको देखेंगे तो उसमें सिर्फ मतलब अनबॉक्सिंग ही नहीं है, ये ऐसे भी टॉपिक को टच करते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है, यानी कॉमन यूथ से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप उसको पूरा देखेंगे, उसको क्या कहते हैं पूरा अगर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ मतलब नॉर्मल टेक्निकल चैनल से कहीं ज्यादा है, जो बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को की मदद करता है या पूरी स्टूडेंट लॉबी की मदद करता है। तो बने रहिए, मैं इनसे फिर निवेदन करता हूँ, कुछ और आपको अपने बारे चैनल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, जो भी हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, हमारी कुछ जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो यही सब सोच करके और बीइंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, हम उस चीज़ को काफ़ी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे ही हमने इस सोच के साथ ही हमने कुछ वीडियोस बनाए थे जब केरला में फ्लड आई थी, और हमने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट करा था
और हमने उस पर एक जो ऑनलाइन पर्सन फाइंडर है उसके बारे में बताया था कि जैसे कोई बिछड़ गया है फ्लड में या किसी नेचुरल कलामिटी में, तो उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, या हमको किसी के बारे में पता है जो अपने परिजनों से बिछड़ गया है, तो उसको हम उनके परिजन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। इन सब चीज़ों का भी हमने अपने चैनल में ध्यान रखा है, और मैं समझता हूं कि हर यूट्यूबर को एटलीस्ट ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लेकर के चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आई होप आपका वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले इंटरेस्टिंग किसी वीडियो में या किसी ट्यूटोरियल में। कोशिश करूंगा कि और गेस्ट को इनवाइट करूं जो आपको कुछ मेरे वीडियो से या मेरे टॉपिक से हट के कुछ बता सके। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।